तो गाइस मैं सवाल का माय YouTube चैनल आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में मैं बताना चाहूँगा पाई को लेकर दो तीन बहुत अच्छी खबर है आपको मैं देना चाहूँगा, और इसलिए मैं कहूँगा कि अगर पहली बार चैनल पर हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट आए आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाई में लगे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो प्राइस को लेकर। दूसरी बात माइनिंग को लेकर, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मगर एक बात है कि जो आपको अवेयर भी रहना है और सतर्क होकर काम करना है, वो क्या चीज़ है वो भी चीज़ बताऊंगा। देखिए माइनिंग हम लोग कर रहे हैं फ्री में, अक्सर आपको पता होगा फ्री में माइनिंग करना है। पाई डेली बाय डेली 24 घंटे में एक मिल ही जाता है, और अपने टीम बनाते हैं तो टीम भी आपका पाई का माइनिंग करता है। आपका KYC करना ज़रूरी है, उसका भी KYC करना ज़रूरी है, माइग्रेशन कम्प्लीट करना ज़रूरी है ताकि जो हम पाई को विड्रॉल कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है इस पाई के नाम पे दूसरा पाई भी स्कैम हो सकता है। कोई अगर लिंक भेजे कि पाई का ज्वाइनिंग कर लीजिए, फेसबुक ज्वाइनिंग कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिए, तो भैया ऐसे काम नहीं करना, ये स्कैम भी हो सकता है। तो आपकी टीम को जागरूक करना है, अपना जो है फुल KYC प्रोफाइल सारे कुछ अपडेट कर देना है, टीम को भी ये चीज़ कराना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाई को विड्रॉल कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट में पाई बैलेंस के रूप में दिखाए। अगर ये चीज़ चाहते हैं तो 100% जागरूक होकर अपने टीम को जागरूक कीजिए। पाई का सोच विचार एडवांस लेवल का है, ये जैसे आजकल के दौर में AI चलता है, AI मेटावर्स मिल के सब कुछ ये पाई काम कर रहा है। ये मत समझिए कि मार्केट में आया तुरंत जो है जो कहा और सुना उसी पर रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाई जैसे जैसे टेक्निक हमारा बढ़ते जाता है उसी तरह टेक्निक ये भी अपना डेवलप करते जाता है, ये बात समझने वाली बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ तो ठीक है मगर अब माइनिंग पाई बंद होने वाला है, ये चीज़ मैं पहले से भी कह रहा था। क्योंकि देखिए जब सिस्टम ओपन माइनेट लॉन्च करेगा मतलब लिस्टिंग करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है माइनिंग स्टॉप होगा, ये बात समझ लीजिए। वो इसलिए स्टॉप होगा क्योंकि ये आज से माइनिंग नहीं चल रहा है, 2019 से चल रहा है और अभी तक चलते आ रहा है। जितने लोग का अभी जितना बन गया टोकन मिल गया आपको, पाई मिल गया, बस वही समझिए कि आपका भाग संजोग है, क्योंकि पाई सबकी किस्मत बदलने वाला है। लोगों का अनुमानिक है, रूमर निकल के आ रहा है कि पाई जब माइनिंग बंद हो जाएगा तो 100% एक बात सत्य है कि पाई का प्राइस पंपिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। और पाई माइनिंग क्यों बंद होगा, इसका रीज़न यही है कि माइनिंग जब इसलिए बंद हो जाएगा कि जब ये ओपन माइनेट में लॉन्च किया जाएगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, सेल बाय का प्रक्रिया हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई को बंद कर दिया जाएगा। और जो आपको पाई मिला है उसमें भी पाई लॉक किया जाता है और कम दिया जाता है, विड्रॉल का चांस कम दिया जाता है, ताकि जो भी पाई जहाँ रहे वो सेफ सिक्योर रहे, लॉन्ग टाइम का इंतज़ार करे ताकि जैसे जैसे पाई का प्राइस बढ़ते जाए तब आपको निकालने का मौका मिलते जाए, और वो भी धीरे धीरे निकालने का। एक बैग सोचिएगा कि पाई निकाल लें तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये 100% एक बात समझ लीजिए कि उस पीरियड में माइनिंग नहीं रहेगा क्योंकि सिस्टम कुछ एडवांस लेवल का कर रहा है। आपको बताया गया ना लोकल शॉपिंग स्टार्ट करता है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट, लोकल शॉप स्टार्ट, इसके अलावा ओपन माइनेट लॉन्च और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना शुरू। तो ये सारे चीज़ जब चालू हो जाएंगे तब माइनिंग नहीं हो पाएगा, 100% बंद हो जाएगा, ये बात याद रखना। और बंद होगा तो अब इसका तो पाई कहीं आने से स्रोत नहीं रहेगा, वो लिमिट में आ जाएगा। जब पाई लिमिट में आ जाएगा तो भैया जो चीज़ लिमिट में आता है और उसका डिमांड बढ़ता है, तो क्रिप्टो का रूल ही है कि जब किसी क्रिप्टो का टोकन कम हो और ज़्यादा बायर की संख्या हो तो उस पीरियड में 100% उसका कीमत बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस रूल को ज़रूर जानते होंगे कि पैटर्न भी देखे होंगे कैसे अप डाउन का चलता है। अगर देखिए इसमें बायर बढ़ेंगे, जब जाहिर सी बात है माइनिंग बंद होगा तो दूसरे लोग आएंगे, क्राउड होगा, भीड़ होगा, क्योंकि पाई तो अब फ्री में मिलेगा नहीं, जब फ्री में नहीं मिलेगा तो खरीदना पड़ेगा। तो अक्सर जो है जैसे जैसे किसी किसी एक्सचेंज पे बड़े बड़े में आएगा तो वहाँ पे लोग बाय करेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब बाय करेंगे तो इसका प्राइस पंप रहेगा।
कंफर्म करना 100% है। और जब पंप करेगा तो रूमर तो ऐसे निकल के आ रहा है कि जो है एक पाई का कीमत 10,000 तक हो सकता है डॉलर। भैया ये देखना बाकी है कि क्या हमारा बिटकॉइन का पीछा करेगा या बिटकॉइन से पीछे रहेगा। लोग तो अनेक तरह के बातें बोल देते हैं कि ये चीज़ 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा डॉलर, 3400 डॉलर एक पाई का कीमत होगा। हर लोग अपना अपना अनुमानिक बात कहते हैं, मगर सारी बात ये रूमर ही मानेंगे। और रियलिटी क्या है, जब सिस्टम अपने ऑफिशियल अपडेट पे अनाउंसमेंट करेगा वही चीज़ रियलिटी है। मगर एक बात तो रियलिटी हो गया जो न्यूज़ में मैं देखा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ट्विटर में ट्वीट किया गया है और ये चीज़ बोला गया है कि पाई का कीमत $30 भी हो सकता है, $40 भी हो सकता है, $50 भी हो सकता है। मगर एक बात 100% जेन्युइन बात समझ लीजिए कि अभी पाई का कीमत तुरंत गया था $84 तक, और 84 से डाउनफॉल में नीचे आते 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 आ गया $60 तक, $64-$62। मतलब जाहिर सी बात है अभी भी लोगों को ये अनुमान लग रहा है कि 100% पाई जो है नीचे की तरफ रेट लेके आ रहा है। इसके मतलब ये है कि पाई कहीं ना कहीं लिस्टिंग करेगा और इसका ओपन माइनेट लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाइन का जब लॉन्चिंग स्टार्ट किया जाता है उस पीरियड में उसका कीमत बहुत कम होता है, और कीमत कम होने की वजह से बायर का तादाद ज़्यादा होता है, और जैसे वो बढ़ता है उसके बाद वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो जब सेल होता है तब भी डाउन होता है, जब लोग बाय करते हैं तो 100% प्राइस पम्प करता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि 100% पाई आपका $10,000 तक जाएगा, और ये कब जाएगा कोई नहीं जानता मेरे भाई, मगर जो अनुमानिक है कि अगर माइनिंग बंद हो गया तो 100% जाएगा। तो बेटर है कि आप जागरूक हो जाइए, अपने टीम को जागरूक कर लीजिए, उनका भी KYC कराइए, अपना भी KYC कराइए, अपना भी क्रिएट वॉलेट सही देखिए, अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, जो टाइमिंग चल रहा है टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारा काम कीजिए ताकि जो है पाई को विड्रॉल करने का चांस मिल सके। अगर ये काम सही रूप में नहीं करते हैं और अपना माइग्रेशन टू माइनेट ये चीज़ अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो है पाई नहीं मिल पाएगा। भैया इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये टाइम टू टाइम ये काम करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक कर जाते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो फ़ायदा यही रहेगा कि अपने टीम को जागरूक कीजिए, अपना भी जागरूक रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए इसका पाई जो है ऐसा सिस्टम लगाया है कि पाई का कीमत हर हाल में बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉक लगाना है, 2-3 साल के लिए लॉक लगाना, स्टेकिंग में डाल के रखना, कम विड्रॉल करने के लिए देना मेन वॉलेट में, ये सारे प्रोसेस कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही अमेजिंग है। और प्राइस बढ़ाने के लिए सिस्टम ऐसे जो है लगा के रखा है। तो 100% है कि प्राइस उतना तो नहीं जाएगा, मगर मैं जानता हूं कि लिस्टिंग में प्राइस तो कम होगा मगर आने वाला दिन में इसका प्राइस 100% पम्प करेगा। तो बेटर है कि उम्मीद रखिए और जागरूक होकर सही रूप में काम कीजिए। अगर ये अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।